नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमार और आप हैं इस वक्त समाधान इंडिया के साथ। शिवाजी नगर तुलाडीह बनाम बागनाल के बीच खेला गया फाइनल मैच। जी हां, स्टार क्लब मझलाडीह के द्वारा आयोजित किया गया क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज शिवाजी नगर तुलाडीह बनाम बागनाल के बीच खेला गया, जिसमें बागनाल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए प्रमुख प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह ने कहा कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं। जो टीम जीती उसको भी और जो टीम आज के मैच को हार गई उन्हें भी मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि हार से हताश ना हो, क्योंकि जो हारता है वही जीतता है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं स्टार क्लब मझलाडीह के सभी सदस्यों को, जिन्होंने युवाओं को अपना खेल को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म दिया और अपनी अंदर छिपी प्रतिभा को जगाने का एक मौका दिया। मुख्य रूप से उपस्थित सत्येंद्र राउत, मुकेश राणा, विक्की अभिषेक, अजय संगम एवं सैकड़ों दर्शक भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया, समाधान चैनल। सर्वप्रथम आज यहाँ बाघानाल और डुमरुआ के बीच में क्रिकेट फाइनल टूर्नामेंट स्टार क्लब और स्टार क्लब मझलाडीह की ओर से जो आयोजित की गई थी, और इस तमाम जो इस समिति में अध्यक्ष कमेटी के लोग, आयोजनकर्ता, मुखिया, पंचायत समिति, सम्मानित सज्जन वृंद और नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से, समाधान चैनल के माध्यम से मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि युवा शक्ति को जो इन्होंने जगाने का काम किया, इसलिए हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। दूसरी ओर मैं कहना चाहूंगा कि जो यह खेल बाघानाल के बीच में और डुमरुआ के बीच में हो रहा था, निश्चित रूप से युवा लोगों ने अपनी प्रतिभा को निखारने का कोशिश किया, और मैं जीतने वाले को बधाई देता हूं और हारने वालों को उससे ज़्यादा बधाई देता हूं कि अथक प्रयास उन्होंने किया है, और आने वाले दिनों में मैं उनको आने वाले सफलता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं तहे दिल से उनका भी अभिनंदन करता हूं। बंधु, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आज दर्शक दीर्घा में है और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये नहीं सोचिए कि मैं जीत गया। वास्तव में हमारे प्रखंड में दो भाई खेल रहे थे और दो भाई आपस में इतना अच्छे रूप से खेल रहे थे और उसका सहयोग कर रहे थे। कुछ गिरिडीह से लोग आए थे, कुछ पलुंजिया तरफ से लोग आए थे, कुछ ढाब के लोग आए थे और अपनी प्रतिभा बिखेरने का कोशिश किया है, और उस प्रतिभा में हम लोगों को जो संतुष्टि दिया है वह काबिले तारीफ है। इसलिए तमाम खिलाड़ियों को मैं और तमाम इस कमेटी की ओर से हृदय से अभिनंदन देता हूँ और आगे बढ़ने के लिए साधुवाद भी देता हूँ। चौथी बात यदि आप कहेंगे तो जो कप्तान अभी बोल रहे थे, दोनों ओर के कप्तान और नौजवानों में जो जोश है, यह जोश शांति के प्रतीक में जो जोश है, निश्चित रूप से देश अग्रसर होने का प्रतीक है, राज्य अग्रसर होने का प्रतीक है। नहीं तो होता क्या है, खेल में आप देखेंगे प्रतिस्पर्धा में खेला तो जरूर जाता है लेकिन दोनों से लठमारी भी हो जाता है, सर फुलगुल हो जाता है, लेकिन जो शांति का प्रतीक देकर के हमारे जो नौजवानों ने खेला और एक शांति कायम करने का जो मिसाल पेश किया, इसलिए तमाम खिलाड़ियों को, दर्शकों को, आयोजित में जो सभी इस टीम के सदस्य थे, जो आयोजित करता थे, और ख़ास करके मझलाडीह पंचायत के जो लोग, जो सज्जन वृंद और जिन्होंने राशि से भी सहयोग किया है, उसको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं आपके समाधान चैनल के माध्यम से। और कहना चाहता हूं कि ऐसा कार्यक्रम आज यदि मझलाडीह में हुआ तो लोग बाघानल में आयोजित करें, जरीडीह में आयोजित करें, मतलब बिरली प्रखंड के तमाम क्षेत्रों में आयोजन करने का काम करें, ताकि नौजवानों में जो छुपी हुई प्रतिभा है सामने आए का काम करें। यह भी देखा गया कि हमारे कुछ जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, कुछ कम रन में भी आउट हो गए, और जो अच्छे नहीं थे, अच्छे तो हम कहेंगे जिनके पास बहुत प्रतिभा नहीं देखी गई, उन्होंने भी अपना प्रतिभा बिखेरने का काम किया है। इसलिए यह समिति, यह कमेटी हृदय से अभिनंदन करती है, साधुवाद देती है, बहुत बहुत धन्यवाद देती है।
समाधान चैनल को मैं स्वागत करता हूँ। जो हम लोग को देखने में आ रहा था कि गांव शहरों में यह चैनल देखा जाता था, महानगरों में देखा जाता था, लेकिन आज हमारे मंझलाडी गांव में आ गया है। और स्टार क्लब की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ अपने कमेटी को, जिन्होंने बहुत व्यापक रूप से बहुत परिश्रम करके यह खेला को उतारा है शांतिपूर्वक। मैं इस गांव के, इस पंचायत के और इन तमाम दर्शकों को मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं कि अगर इस तरह का खेला हमारे गांव में होने लगे तो हमको लगता है कि मैं कभी स्टेडियम और टीवी चैनलों में देखा करता था, लेकिन आज हमें देखने को मिल रहा है गांव घर में। इससे मैं काफ़ी प्रसन्न हूं और खुश हूं। इस तरह का चैनल हमारे बिरनी प्रखंड में हर एक पंचायत में हो और इस आने वाला दिन में यह टीम जिला में चयनित हो, ये हम लोग का मांग है और इस तरह का चले। इसी के साथ हम अपने वाले तो सबसे पहले मैं देना चाहता हूँ सर, बोलिएगा। स्टार क्लब मंझलाडी के नौजवान साथियों कमेटी को मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन देता हूँ कि इन्होंने काफ़ी परिश्रम करते हुए इस मैच को इस ग्राउंड में अपना परिश्रम करते हुए और आज फाइनल मैच कराने का शांतिपूर्वक ये परिश्रम किए। और मैं तमाम इस ग्राउंड में खचाखच भरे हुए दर्शक लोग को भी आज इस कड़कड़ धूप में जो समय दे करके आज ये प्रदर्शन को अपने ओर से समय दे करके जो कमेटी को शोभा को शोभनीय में बदलने का काम किया है, इसको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एवं समस्त हमारे इस ग्राउंड में कमेटी बॉक्स में उपस्थित हमारे जो भी सदस्यगण एवं प्रतिनिधि लोग पहुँचे हुए, मैं अपने ओर से हार्दिक स्वागत के हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के रनर एवं विनर दोनों टीम, एक बाघानाल, दूसरे क्या है दूसरा जी, शिवाजी नगर, ये हमने तो मैच क्रिकेट मैच तो काफ़ी देखे हैं, लेकिन आज रोमांचक खेल जो देखने को मिला जो अति उत्तम यानी महा उत्तम, ये बखान करने प्रशंसा करने से बहुत कम वो सबको मैंने कहा जाता है कि जिस प्रकार प्रदर्शन ये दिखाया कि अंतिम खेला तक यानी दर्शकों को मैंने तमाम कमेटी लोगों को दिल जीत करके रखा और अंतिम फाइनल मैच वो सब इस प्रकार खेला कि कहा नहीं जा सकता है कि प्रशंसा करने से भी बहुत कम है। इसलिए मैं हार्दिक दिल से दोनों टीमों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। स्टार क्लब मंझलाडी के आयोजक के रूप में मैं दोनों टीमों को हार्दिक बधाई। दोनों टीमों ने यह एहसास दर्शकों को कभी नहीं होने दिया कि उठ किस करवट बैठेगा और अंतिम ओवर के अंतिम गेंद तक मैच का रुख जो है सो पलट नहीं पाया और कौन जीतेगा इसका निर्णय अंतिम गेंद पर हो पाया, यही मैं कहूँगा। और तमाम दर्शकों का मैं और मीडिया भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।